बीजेपी की प्रधान अश्विनी शर्मा आज मलवा एरिया में 3 दिनों के दौरे पर है। उनका कहना है कि मैं मलवा एरिया में ग्राउंड पर जाकर 2022 के चुनावों को लेकर मीटिंग कर रहा हूं। अश्विनी शर्मा ने मजीठिया पर हुई को लेकर कहा कि यह राजनीतिक से प्रेरित है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि पंजाब नशे से मुक्त रहे और भय से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने मजीठिया पर हुए पर छेद को लेकर कहा कि जब चुनाव सर पर है, यह कार्रवाई अब क्यों की गई? साथ ही गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि नशे से लिप्त कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। मेरी ड्यूटी पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों पर लगी हुई है। यह हाई कमान फैसला लेगी कि हम किसके साथ गठजोड़ करेंगे या नहीं। मेरी ड्यूटी पूरे पंजाब में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है। हमारी पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी फैसला लेना है वह हाई कमान लेगी। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हम पंजाब में रोजगार देंगे, इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, नशा मुक्त करेंगे, पंजाब को भय मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू वे विपक्ष का रोल खुद अदा कर रहे हैं। सुखदेव सिंह ढींडसा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो भी गठजोड़ करना है वह हाई कमान ने करना है। चलिए आप थोड़ा सारे का बहुत बहुत पत्रकार मित्रों का धन्यवाद है। सारे सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। मेरा पूरे पंजाब के अंदर विधानसभा के अनुसार मीटिंगा का दौर जरा चल रहा। अजे 34वीं विधानसभा है जिदे अंदर मैं विधानसभा के पार्टी के मंडल के जिले के प्रदेश के मोर्चिया के जितने भी पदाधिकारी है उन्होंने बैठक कर रहा। और मकसद तो 2022 का चोना ही है और अपनी पार्टी की उस चोन नू लैके विधानसभा अनुसार की तैयारी है उसकी समीक्षा और चुनाव के अंदर किस रणनीति के तहत चलना है उदे उत्ते विचार विमर्श करने लिए मेरी मीटिंग हुई है। उस तो बाद मैं धूरी जाना है, उस तो बाद बरनाला बैठक है। मेरे 3 दिन जड़े है वह मालवा के अंदर ने 24 तक। और जिस प्रकार कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है और जिस प्रकार पंजाबियों का सहयोग और प्यार और जिस प्रकार पार्टी के अंदर नवे नवे लोग शामिल हो रहे हैं, वो लग रहा है कि पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार बीजेपी की सरकार पंजाब च बनानी है। तो मैं लगता है कि कार्यकर्ता उसके लिए तैयार भी है और वोटर भी तैयार है, पंजाबी भी तैयार है। 25 MLA की गल चल रही है, सने 7 मंत्री मौजूदा, कदों तक ज्वाइन कर सकते? ऐसा है कि असी एक नारा दिता नवा पंजाब, वो एक स्लोगन नहीं है, कमिटमेंट है। कारण की है कि पंजाब के अंदर सत्ता का परिवर्तन होता रहा, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। कभी कांग्रेस आ गई, कभी अकाली दल, लेकिन जेडे मुद्दे आज तो 30 साल पहला सी वो मुद्दे अज भी उदा दी उदा ही खड़े हैं। अज भी बेरोजगारी है, अज भी भ्रष्टाचार है, अज भी इलीगल माइनिंग होती है, अज भी लीकर की समगलिंग होती है, अज भी पंजाब का नौजवान नशे च डुबिया पिया। असी ऐसे पंजाब का सिरजन करांगे जिसके अंदर हर पंजाबी दी जिहड़ा बीजेपी के विचार के नाल, बीजेपी के स्लोगन के नाल, बीजेपी की इस कमिटमेंट के नाल कि भय मुक्त पंजाब बनावांगे, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनावांगे, नौजवानों लई रोजगार का सिरजन करांगे, नशा मुक्त पंजाब देंगे, ऐसा कानून का राज होएगा जिस महिला और कमजोर तबका जिहड़ा उन्हें न्याय मिले और जिहड़ा जिहड़ा इस यात्रा का हिस्सा बनेगा उसका स्वागत है। सर मजीठिया जी के अज कल रात FIR दर्ज की गई है, काफ़ी लंबे समय बाद पोलिटिकल इशू रहा गया सारी पार्टियां का, की कहना चाहूँगा? ऐसा है कि दोषियों नू हर हालत सज़ा मिलनी चाहिए, ये अंदर किसी को भी कोई शंका नहीं हो सकती, ना ही किंतु परंतु। लेकिन किसी व्यक्ति की ईगो नू शांत करन लई या राजनीतिक द्वेष दे ना, ये नशा तो पंजाब का मुद्दा रहा ना सर, उसे कम तो हो ही नहीं कदे। सर मेरी गल तो कंप्लीट हो,
मैं की कह रहा कि नशे दे कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिक द्वेष या किते व्यक्ति दी ईगो दे नूं शांत करन लई किसी भी तरीके नाल राजनीतिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए और पंजाब नशा मुक्त होए इहदे लई गंभीरता पूर्वक काम सरकार नूं करना चाहिए सी, जिहड़ा सरकार ने नहीं किया है। इहदी टाइमिंग ते भी प्रश्न चिन्ह आएगा कि पौने पांच साल बाद क्यों, लेकिन बीजेपी का बॉस स्टेट मत है कि राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी कोई भी है किसी भी रूप च है, जिड्डा मर्जी वड्डा है, नशे के अंदर भेजन वाले जिहड़े दोषी ने जां पंजाब दे अंदर नशा 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 बंधन वाले जिहड़े लोग ने उन्हां नूं बख्शिया नहीं जाणा। नशा पंजाब तो खत्म होना चाहिए, पंजाब की जवानी बचनी चाहिए है, दोषी जड़े बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन कार्रवाई राजनीति तो प्रेरित नहीं होनी चाहिए। न्यायालय है, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर दोषी ठहराना व्यक्ति नहीं ठहरा सकता, ये न्यायालय तय करेगा कि कौन कितना दोषी है। इस करके मैनू देश के संविधान च भी विश्वास है, देश के न्यायालय च भी विश्वास है और मैं लगता है कि न्याय जिहड़ा वो होना चाहिए, पंजाब तो नशा जिहड़ा मुक्त होना चाहिए। कमिटमेंट साड़ी है पार्टी की, बीजेपी कमिटमेंट के नाल अपने सिद्धांत के नाल चलन वाली पार्टी है और यही पार्टी है जिदी यात्रा जनसंघ तो लैके बीजेपी तक जिन्हों मुद्दों नू लैके जनसंघ बनिया सी उन्हां मुद्दों की पूर्ति असी उस वेले की है जिस वेले केंद्र च साडे कोल सरकार आई। अज अगर पंजाब के अंदर असी ये कह रहे हैं नवा पंजाब बनावांगे, वो स्लोगन उदों ही मूर्त रूप लेगा, उदों ही असी वो कर पावांगे जदों साडे कोल सरकार आई। असी हर एक व्यक्ति जड़ा जेड़ा बीजेपी दी आइडियालॉजी से विश्वास करेगा, जिदा दामन साफ होएगा, ओनू पार्टी दे अंदर नवा पंजाब चंडीगढ़ भी शामिल होगा। ऐसा है मेरे ध्यान से विषय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा ये मत रहा पंजाब बीजेपी का कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा बने। ढींसा साहब नाल सर गलबात कितनी कपूर चढ़ी है जी? ऐसा है कि मेरे जुम्मे 117 सीटां ते अपनी पार्टी की तैयारी कराना, संगठन नूं चुस्त दुरुस्त करना है। रही गल कौन से योगी होएगा जदों सारा मूर्त रूप होएगा सब दे सामने है। मैं की कह रहा जदों कोई गल पूरी तरह नाल सामने आएगी सब नूं पता चलेगा, कोई छुपा के करने वाला तो काम ही नहीं है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया जी, कैंडिडेट क्लियर नहीं किए अपन, बीजेपी चोन जाब्ता लगने वाला जी। ऐसा जी पहली गल है, तुम्हें लगता काफ़ी पुराने पत्रकार हो, 2017 च कदों कैंडिडेट घोषित होए सी जां पहला कदों बीजेपी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है, ये गल समझना चाहिए। यह नहीं है कि स्टेज केजरीवाल नहीं है, मैं स्टेज के चलते चलते कैंडिडेट बना दिया, होर दूसरी पार्टी नहीं है कि वह थापी दे के कैंडिडेट बनाते रहन। मेरी पार्टी के अंदर पार्लीमेंट बोर्ड है, सर्वोच्च संस्था साड़ी, साड़ी पार्टी का प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के तहत ही समय के उ पार्लीमेंट बोर्ड कैंडिडेटा की घोषणा। शर्मा जी संगरूर तो